हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या नाम है चैप्टर का? इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में यानी हमारे कंट्री में मेनली तीन टाइप के सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। उसी तरह से पूरी दुनिया में सेम वे में है कि पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उनके वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं उनको तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन बेसिकली आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो फोकस होगा वो किस पे होगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे होगा। हमें यह समझना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले समझते हैं कि वर्ल्ड्स आर हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। जैसा मैंने बोला कि पूरी दुनिया में कितने सेक्टर्स हैं? तीन सेक्टर्स हैं। यानी जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि हमारे कंट्री में कितने सेक्टर्स हैं? मेनली तीन सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर। इन अ सेम वे अदर कंट्रीज में भी सिचुएशन है। इंडस्ट्री इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। याद रखना है कि इन सब में अगर हम बात करते तो इंडस्ट्री भी जो है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। रीजन कैसा है, उसका रीजन क्या, वो अभी हम लोग आगे समझने वाले भाई क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। हाँ, तो ये भी याद रखना होगा कि जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज है जहां पे बेसिकली पेट्रोल का काम होता है, जैसे सऊदी अरेबिया कंट्रीज हो गई, तो ऐसे कंट्रीज वाले जो है, ठीक है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, ऑल अदर डेवलप्ड कंट्रीज आर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, ब्रिटेन एंड जापान। देखो अगर मैं बात करता हूँ सऊदी अरेबिया की, अगर इस कंट्री को हम साइड में कर देते हैं तो इस कंट्री के अलावा, ठीक है, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री के अलावा बाकी जितने भी डेवलप कंट्रीज है, ठीक है, जब हम बात करते हैं डेवलप कंट्रीज की, तो जितने भी डेवलप कंट्रीज है सभी जगह पर क्या है, इंडस्ट्रीज ही मेन है। यानी उनका जो मेन सेक्टर है वो क्या, इंडस्ट्री सेक्टर ही मेन है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जहाँ पे एग्रीकल्चर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, जैसे अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, तो वहां पे क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उनका मेन ऑक्यूपेशन है, राइट। तो ये आपको दो बातें याद रखनी है। क्या याद रखना है कि यूएसए, ब्रिटेन और जापान जैसे कंट्रीज जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से फेमस हुई है, यानी कि उनका डेवलप हुआ है। लेकिन सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री की बात करें तो वो पेट्रोल वाला काम ज्यादा करते हैं, दैट्स व्हाई उसकी वजह से उनका डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो मेन फोकस वो किस पे है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। अगर हम हमारी बात करते हैं तो हमें पता ही है कि हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से जाना जाता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि एग्रीकल्चर कंट्री जो है ना वो उतना डेवलप नहीं प्रोवाइड कर सकता है, राइट। तो वही यहाँ पे बोला है, मतलब डेवलप्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमीज आर वेरी लेस इन नंबर, यही बात बोला है ना कि जो डेवलप्ड एग्रीकल्चर सेक्टर है, ध्यान से बात को समझना कि डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफी कम है, आर वेरी लेस इन अ नंबर, बट देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज। देखो होता है ना कि हम कोई बात को लेके चलते बोलते हैं, अच्छा ठीक है, एक गवाह दिखा दो, एक सबूत दिखा दो, भाई ऐसा कुछ हुआ भी तभी मैं मान लूंगा। इन सेम वे वैसा ही है यहाँ पे कि अगर हम बात हम लोगों को समझाते एक्सप्लेन करते हैं कि भाई एग्रीकल्चर पे फोकस करो, इंडस्ट्रीज पे फोकस मत करो, तो हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स देंगे, देयर आर मेनी कंट्रीज की जो बेसिकली इंडस्ट्रीज पे फोकस करके डेवलपमेंट किया हुआ है, बट एग्रीकल्चर पे फोकस करके बहुत कम कंट्रीज ने डेवलप किया है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा जो आता है वो इंडस्ट्री सेक्टर आ जाता है। अभी समझते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर का इंपॉर्टेंट क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी कंट्री के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, नेसेसरी टू हैव अ स्पीडी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सबसे पहली बात तो क्या, अगर स्पीडी ग्रोथ करना है, ठीक है, स्पीड में ग्रोथ करना है, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, आपको जरूरत पड़ने वाली इंडस्ट्रियल सेक्टर की, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो थोड़ा स्लो होता है क्योंकि इसमें टाइम लगता है, राइट। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डेवलप करना, अब ये सब कैसे पॉसिबल है वो हम लोग आगे आने वाले पॉइंट्स में पढ़ेंगे, तो अभी सिर्फ जो मैं चीजें टिक कर रहा हूँ बस उसको दिमाग में रखना है। स्पीडी ग्रोथ के लिए हो गया, ठीक है, डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हो गया, टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, राइट, टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और क्विक इंक्रीज इन इनकम एंड फॉर इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ पीपल। यानी ये कुछ ऐसे रीजंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनके लिए हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्या क्या बोल रहा है, स्पीडी ग्रोथ करना है, हमारा जो कंट्री का ग्रोथ है वो स्पीड में करना है, या एग्रीकल्चर सेक्टर का भी डेवलप करना है, इंप्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट करना है, हमारे पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, या लोगों की इनकम में इंक्रीमेंट करना है वो भी स्पीड में, ठीक है, क्विक इंक्रीज करना है, या तो यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंप्रूव करना है, सुधारना है, तो उसके लिए भी हमें जरूरत पड़ने वाली इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की। अब ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पे बोली है इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें की गई है। जैसे सबसे पहला लिखा कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, आप समझते हैं कि इसका ये कैसे
मेन हुआ कैसे हुआ यहाँ पे, और कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला क्या है, कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ध्यान से समझना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर हैड डोमिनेंस ओवर इकोनॉमी। जैसा मैंने बोला कि हमारा जो कंट्री था बेसिकली, ठीक है मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस कर देता हूँ, हमारा जो कंट्री था वो कैसा माना जाता था, एग्रीकल्चर सेक्टर वाला ही माना जाए, एग्रीकल्चरल कंट्री माना जाता, राइट। लेकिन अब हुआ क्या, बट इट रिड्यूस ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ये क्या होते गया, रिड्यूस होते गया। क्या रिड्यूस होते गया, गया हमारा ये एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। एंड ड्यू टू प्लानिंग एफर्ट्स शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज इंक्रीज्ड इन नेशनल इनकम। और हुआ क्या कि जब 1951 के बाद, ध्यान से समझना, 1951 के बाद जब प्लानिंग कमीशन बना था, ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन ने फोकस किस पर किया था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग, यानी 1951 के बाद, मतलब जो 47 के बाद जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे, तो वहां पे ये फोकस किया भाई हमारी कंट्री का स्पीड में डेवलपमेंट करना है, और स्पीड में डेवलपमेंट करने के लिए हमें ऐसी इंडस्ट्रीज की जरूरत है या ऐसे सेक्टर्स की जरूरत है जो स्पीड में प्रोडक्शन कर सके, स्पीड में लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सके, राइट, लोगों की इनकम इंक्रीज कर सके। तो इन लोगों ने फोकस किस पे किया था, इन लोगों ने फोकस किया था इंडस्ट्रीज पे। किस पे फोकस किया था, इंडस्ट्रीज पे फोकस किया था, किन लोगों ने, हमारे जो प्लानिंग कमीशन वाले थे, राइट। सो ड्यू टू प्लानिंग एफर्ट्स, याद रखना है, ड्यू टू प्लानिंग एफर्ट्स शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो याद रखना है कि जो शेयर है, किसका शेयर है, इंडस्ट्रीज का, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कहां पर, नेशनल इनकम में, इन 1951। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं, इन 1951 इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, 16.6%। याद रखना है कि अगर हम बात करते हैं 1951 के, यानी एकदम स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो उस टाइम पे कितना था, 16.6% था ओनली। लेकिन जो अभी कितना है, 2013-14 का ये डेटा है, और 13-14 के डेटा के अकॉर्डिंग कितना है, 26% है। अब देखोगे तो 10% इतना इंक्रीज हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हो पाया था। हम लोगों ने सोचा था काफी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जैसा हमें पता है हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो उस प्रॉब्लम्स की वजह से ये जो डेवलपमेंट होना चाहिए था एज पर एक्सपेक्टेशन वो नहीं हुआ। बट स्टिल यू कैन सी कि 16 से 26% हो गया। ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज प्लेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल। और उसके लिए जो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले किया वो किसने किया हुआ है, सर्विस सेक्टर ने और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने प्ले किया हुआ है। तो याद रखना है कि इन दोनों सेक्टर ने काफी ज्यादा एक रोल प्ले किया है हमारे कंट्री का इनकम इंक्रीज करने के लिए। ओके, अभी बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में याद क्या रखना है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर मेन था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, वो रिड्यूस होता गया। रिड्यूस क्यों हो गया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने, जो प्लानिंग हमारी कमीशन बनी थी, उन लोगों ने फोकस किस पे किया था, इंडस्ट्री सेक्टर पे फोकस किया था, और उसका रिजल्ट क्या मिला कि 1951 में 16.6 था, जो बढ़ के कितना हो गया, 26% हो गया था। क्लियर है इतना, तो यही चार लाइन आपको याद रखनी है, ये वाली लाइन को इग्नोर कर देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो अगला है एम्प्लॉयमेंट। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो हमारे कंट्री में प्रॉब्लम क्या है, हमारे कंट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाई पॉपुलेशन। अब जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे लेबर्स ज्यादा होंगे। देखो हाई पॉपुलेशन का मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे क्या है, लेबर्स काफी ज्यादा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि एंटायर लेबर इज नॉट यूटिलाइज, हमारे पास इतना डेवलपमेंट सेक्टर नहीं है या इतना डेवलप सेक्टर नहीं है कि हमारे पास जितने लेबर है वो सभी को हम क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो सीरियस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड एंड ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। याद रखना है कि हमारे कंट्री में अपॉर्चुनिटीज कम है, ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड। तो आपको याद रखना है ये प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी कम है, और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट वाली जो प्रॉब्लम इंक्रीज, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम इंक्रीज हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्लानिंग एफर्ट्स किए, जैसा मैंने बोला ना, इन लोगों ने प्लानिंग किया, और प्लानिंग के साथ इन लोगों ने क्या किया, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसा मैंने बोला कि अदर सेक्टर्स में स्पीड में डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इन लोगों ने किस पे फोकस किया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस किया था। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का बेनिफिट ये था कि ये काफी स्पीड में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे 1951 में इसका जो कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन था वो कितना था, 10.6% था एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन 2011-12 में कितना हो गया, 24.3%, यानी डबल हो गया सीधा, राइट, डबल से भी ज्यादा, कि कहते हैं ना 1.5 गुना हो गया है, डेढ़ गुना जिसको मैं बोलते हैं। तो याद रखना है कि 1951 में कितना था, 10.6% था, लेकिन 11-12 में कितना था, ये
24.3%. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन एज इट कुड सब्सटेंशियली इंक्रीज इंप्लॉयमेंट. अभी हम लोग को पता है कि हमारे कंट्री में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, राइट, कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं SSI, कई जगह आप देखोगे ऐसा लिखा रहता है SSI. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो मेन काम होता है वो होता है लेबर से. यहाँ पे ये लोग है ना टेक्निकल का यूज नहीं करते, मशीन का यूज नहीं कर सकते हैं. देखो कर नहीं सकते मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, वो लोग कर सकते हैं लेकिन वो लोग नहीं करते हैं. दैट्स व्हाई इनका नाम है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. तो याद रखना है कि हमारे कंट्री में बेसिकली दो तरह की प्रोडक्शन टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव और एक कैपिटल इंटेंसिव. जब हम बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव की तो हम बात करते हैं मशीन की, ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं लेबर इंटेंसिव की तो हम बात करते हैं वर्कर्स की, इंप्लॉयर्स की, सॉरी एम्प्लॉयज की, ठीक है, यानी लोगों की बात करते हैं. तो याद रखना है कि हमारे कंट्री में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज था उसकी वजह से जो हमारे यहाँ का लेबर था वो क्या हो गया, उनको जॉब मिलना स्टार्ट हो गया. क्लियर है, इतना समझ में आया. तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट इनकम. तो एक बार यहाँ पे वापस देख लेते हैं क्या क्या इसमें समझना है. तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. तो याद रखना है कि हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन था काफी हाई है और ये पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था. जब पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. कौन सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. अब अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट भी क्यों, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो काफी कम है. लेकिन हम लोगों ने जैसा किया था प्लानिंग किया था, प्लानिंग की हेल्प से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था प्रोडक्शन करना और कई सारी इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से जो हमारा एम्प्लॉयमेंट था वो इंक्रीज हो गया था. इंक्रीज कैसे हो गया था, तो 1951 में 10.6 था, उसके बाद 24.3 हो गया. तो अगर ये पूरा परसेंटेज याद नहीं रहता है तो तुम क्या करोगे, ऐसे बोल सकोगे 10.5%, 10.6 अप्रोक्स, साइड में वर्ड लगा देना अप्रोक्स. रीजन कैसा है, ये जो भी परसेंटेज होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं. जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जब वो भी कैलकुलेशन करके लेकर आते हैं, पूरा रिसर्च करके सर्वे करके लेकर आते हैं, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए वो लोग बाजू में लिखते हैं अप्रोक्स. तो आपको बस इतना याद रखना है कि एग्जैक्ट वाला याद रखना, जैसे 10% और 24%, उसके बाद आप कुछ भी लिख के अप्रोक्स लिखोगे तो वो राइट माना जाता है. ओके उसके बाद बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की. तो याद रखना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बेसिकली लगा लेबर इंटेंसिव था और इसी वजह से हमारे यहाँ पे और भी जॉब्स इंक्रीज हुई थी. क्लियर है, इतना समझ में आया. तो ये था हमारा एम्प्लॉयमेंट का. उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एक्सपोर्ट इनकम. अब देखो एक्सपोर्ट इनकम की बात करते, एक्सपोर्ट इनकम का मतलब क्या कि हम अपने कंट्रीज से दूसरे कंट्रीज में प्रोडक्शन को सेल करते हैं. तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इंडिया से जो प्रोडक्शन है, ठीक है, यानी जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ठीक है प्रोडक्ट लिखते हैं वो ज्यादा बेटर है. तो जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अदर कंट्रीज को, ठीक है, अदर कंट्रीज को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. याद रखना है अदर कंट्रीज को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं. तो अगर हम बात करते हैं अदर कंट्रीज को सेल कर रहे हैं तो इसमें कैसे है, देखो कैन इंक्रीज, कौन, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड जनरेट सरप्लस इन इकोनॉमी. देखो बेसिकली हमारे कंट्री में तीन सेक्टर हम जानते हैं, इंडस्ट्रियल है, सर्विस है और एग्रीकल्चर है. हम देखो इस बात, इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जितनी स्पीड में इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जितने स्पीड में इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है उतने स्पीड में अदर दो सेक्टर्स नहीं कर सकते. इसलिए यहाँ पे बोला है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैन इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम. तो याद रखना है कैन इंक्रीज वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम की बात कर, प्रोडक्शन वॉल्यूम की, एंड जनरेट सरप्लस. तो याद रखना है और इतना ज्यादा ये लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं कि ये लोग कंट्री में सरप्लस बना सकते हैं. सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा बना सकते हैं और जो सरप्लस होगा वो क्या होगा, सरप्लस कैन बी एक्सपोर्टेड टू अन फॉरन एक्सचेंज. और ये जो सरप्लस है वो अपने जेब में तो रखेंगे नहीं या पेटी में बंद करके डब्बे में रखेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस सरप्लस को हम लोग अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट. तो याद रखना है सरप्लस कैन बी एक्सपोर्टेड टू अन फॉरन एक्सचेंज. क्लियर है, इतना फर्स्ट लाइन क्लियर हुआ. अभी बात करते हैं नेक्स्ट की. नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, एंड दिस एक्सचेंज इज यूज टू इम्पोर्ट स्केर्स आइटम्स. अब इसका यूज क्या करना है, जो यहां से हमें फॉरन एक्सचेंज मिला है उसका हमें यूज करना है, यूज टू इंपोर्ट स्केर्स आइटम, यानी कुछ ऐसी भी चीजें जो हमारे कंट्रीज में प्रोडक्शन नहीं होता उनका या हमारे कंट्री में प्रॉपर कहते हैं क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अदर कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं. अब पता है अदर कंट्री से इंपोर्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फॉरन एक्सचेंज की, यानी वहां के कंट्रीज की पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉरन एक्सचेंज. अब वहां की कंट्री की पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो तो हम अपने कंट्री में बना नहीं सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम अपना सामान उनको दे और उनसे पैसे लेके बाद में हम अलग अलग कंट्रीज से जो हमें रिक्वायरमेंट है इंपोर्ट कर सके, राइट. तो ठीक है, उसके बाद आगे है इन 2013-14 अर्न 2/3 ऑफ एक्सपोर्ट इनकम. याद रखना है कि जो अगर हम लोग मान लो 100 रुपए कमाते थे एक्सपोर्ट से, कितना रुपए,
100 रुपये अगर एक्सपोर्ट से कमाते थे, इस 100 रुपये में से 66.67 रुपीज, ठीक है, 66.67 रुपीज कहां से आ रहा था? आपका इंडस्ट्री सेक्टर से आ रहा था, तो ये आपको याद रखना है। और बाकी का जो है, ठीक है, बाकी का कितना हो गया 33.33, ये अदर टू सेक्टर से, अदर टू सेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि 2013-14 में 2/3 ऑफ एक्सपोर्ट इनकम कहां से था? इंडस्ट्रियल सेक्टर से था, बाकी का जो था वो अदर सेक्टर से था। डज नॉट ओनली सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिटीजन बट इट ऑल्सो ऑन फॉरन एक्सचेंज एंड इनडायरेक्टली सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर आइटम इन इकोनॉमी। और इन बातों से क्लियरली पता चल रहा है कि भाई इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो सिर्फ यहाँ के लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, बल्कि वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सरप्लस हो रहा है उसको फॉरन कंट्री में सेल करके इनडायरेक्टली अदर चीजों की रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अदर चीजों की रिक्वायरमेंट का मतलब जो हमें अदर प्रोडक्ट चाहिए जो हमारे कंट्रीज में नहीं है वो हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं, तो ये भी वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है इतना, समझ में आया? तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? एक्सपोर्ट इनकम। क्लियर है? तो एक बार देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा। फर्स्ट पॉइंट था हमारा कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम। देखो पॉइंट्स याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट, एंड थर्ड की बात करते हो, थर्ड हमारा एक्सपोर्ट इनकम। उसके बाद नेक्स्ट है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या, जो हमारे कंट्री का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब ये है कि जो भी हम काम करते हैं उसका जो बेनिफिट है वो सभी लोगों को प्रॉपर वे में मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को कम हो और किसी को ज्यादा हो। तो यहाँ पे समझते हैं क्या है, इंडस्ट्रीज हेल्प इन अटेनिंग रैपिड एंड बैलेंस डेवलपमेंट अलोंग विद डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी देयर इज अ डिमांड ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज। अभी ध्यान से समझना इस बात को कि जब हमारे कंट्री में, ध्यान से सुनना, जब हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज का इंक्रीज होता है, समझते हैं, यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं जब ये इंक्रीज होती हैं तो इनके डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, लोगों को जॉब मिलती है, ठीक है। और लोगों को जब जॉब मिलती है तो उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज होती है। सैलरी इंक्रीज होने का मतलब उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, और जब उनके पास पैसे हैं, मनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो डिमांड करेंगे प्रोडक्ट्स की, ठीक है, किसकी डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट्स की। और बेसिकली इन प्रोडक्ट में सबसे पहला जो आएगा वो क्या होगा, आपका प्राइमरी कमोडिटीज होगा, यानी उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो उनकी बात कर रहे हैं। क्लियर है इतना? तो याद रखना है इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे यहाँ पे बैलेंस डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे, अलोंग विद द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ये सिर्फ इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं करते हैं बल्कि क्या कहते हैं, देयर इज अ राइज इन द डिमांड ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज। और उसका जो लॉजिक है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि जब इंडस्ट्रीज कंट्री में बनती है तो इंडस्ट्रीज की वजह से लोगों को जॉब मिलती है, और लोगों को जॉब मिलने की वजह से क्या होता है, लोगों की सैलरी इंक्रीज होती है। सैलरी इंक्रीज होने का मतलब लोगों के पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो लोग डिमांड करेंगे किसकी, अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे, जिसको बेसिकली बोलेंगे यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्ट्स की। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है एक्सेस इनकम रिमेन्स एज अ सेविंग। अगर प्राइमरी प्रोडक्ट्स जो है, प्राइमरी डिमांड जो है उसको खत्म करने के बाद भी, यानी उसको सेटिस्फाई करने के बाद भी अगर कुछ पैसे बच जाते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या कर लेते हैं, उसको एज अ सेविंग के तौर पर रख लेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है एक्सेस इनकम, ठीक है, क्या याद रखना है कि जो एक्सेस इनकम होगा उसको एज अ सेविंग के तौर पे रख लेंगे, या तो एंड इंक्रीज डिमांड ऑफ लग्जरियस एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट। अभी तक इन लोगों ने फोकस किस पे किया था, देखो अभी तक इन लोगों ने फोकस किया था प्राइमरी कमोडिटीज पे, किस पे फोकस किया था, प्राइमरी कमोडिटीज पे। लेकिन जब सेविंग थी इनके पास, जब सेविंग हो गई इनके पास, तब इन लोगों ने थोड़ा सा डिमांड के रूटीन में चेंज किया, और डिमांड क्या किया, डिमांड ऑफ लग्जरियस एंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे बड़ी टीवी, बड़ा बाइक मतलब अच्छी बाइक, ठीक है, और बाइक है तो कार डिमांड करेंगे, उसके बाद मूवीज देखने जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो वो सारी चीजें पहले लोग प्राइमरी अपना जो डिमांड होता है उसको सेटिस्फाई करेंगे। एंड इट ऑल्सो सेटिस्फाइड बाय द इंडस्ट्रीज। और ये सारी चीजें भी सेटिस्फाई कैसे होती है, इंडस्ट्रीज के थ्रू ही होती है। जो टीवी चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, वो लोग ही प्रोवाइड करते हैं। एंड गवर्नमेंट कैन एस्टेब्लिश पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन लेस डेवलपिंग बैकवर्ड एरियाज। अब इससे क्या, जैसे देखो जहां पे लोगों की इनकम इंक्रीज होते जा रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां पे अच्छे रोड बनाएगी, ठीक है, वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं। जब पैसे नहीं थे लोग, बट लोग डिमांड नहीं कर रहे, डिमांड कर रहे हैं, राइट। फिर इससे क्या होगा, कैन इंक्रीज इंप्लॉयमेंट प्लस इनकम एंड कैन मेक स्पीडी एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इससे क्या होगा कि सिटीज का तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, प्लस उन एरिया का भी जहां पे लोग पैसे नहीं कमाने लग रहे हैं, उस एरिया का भी अपने आप डेवलपमेंट हो जाता है। क्लियर है? और इसी वजह से बोला स्पीडी एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर है इतना?
स्पीडी एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर हुआ इतना समझ में आया? तो याद रखना है कि बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब यह है कि एक जगह का डेवलपमेंट होता है तो वहां के लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, उसके बाद वो अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स में सबसे पहले प्राइमरी आएगा, फिर सेविंग होगा, तो सेविंग होगा तो लग्जरियस होगा और इंटरटेनमेंट होगा, और ये भी कौन सेटिस्फाई करता है? हमारे इंडस्ट्रीज वाले सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इस बात को समझो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कैसे है। मॉडर्नाइजेशन इज नीडेड टू इंक्रीज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। वी ऑल नो कि हमारे यहाँ पे जो मेन सेक्टर है वो कौन है? एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि आज भी मोर देन 50% आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में भी मोर देन 50% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो काफी स्लो है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इंडस्ट्रीज कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजी टू हेल्प द एग्रीकल्चर सेक्टर। हम सबको पता है कि लोग जो है वो अगर जो पुरानी चीजें यानी पुराने टेक्निक से काम करते हैं तो उसमें टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। दैट्स व्हाई जो इंडस्ट्रीज है वो लोग क्या कर रहे हैं, इनको टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करने से हेल्प हो जाएगी और ज्यादा स्पीड में काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जैसे हो गया ट्रैक्टर, थ्रेसर, सबमर्सिबल पंप, इक्विपमेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स, ऑल प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्रीज। ये जितनी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजों को प्रोड्यूस कौन करता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स करते हैं। जैसे अगर हम ट्रैक्टर्स की बात करते हो, तो अगर आपने कभी गाँव में देखा होगा तो जो हल से काम होता था, यानी जो बैल बैल और हल का यूज होता था, ठीक है, उससे जितना काम होता था उससे ज्यादा स्पीड में ट्रैक्टर से हो जाता है, और वो भी दुगना स्पीड में, राइट। जितने एक जैसे एक खेत को जोतने के लिए जितना मतलब प्लॉग करने के लिए जितना टाइम लगता था, उतने ही टाइम में वो एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। थ्रेसर्स जैसे अनाज को साफ करने के लिए जो मशीनें यूज होती हैं, पहले नहीं था, तो पहले लोग कपड़ों से साफ करते थे, ऐसे बड़े बड़े बर्तन होते तो उससे गिराते थे और पीछे से हवा देते थे वो लोग, उसमें ज्यादा टाइम लगता था। अभी थ्रेसर्स आ गए हैं, सबमर्सिबल पंप यानी कि ये जो हमें यहाँ पे सिंचाई करने होती है, पानी देना होता है, उसकी बात कर रहे हैं। और अलग अलग जो मशीनें आ गई स्प्रे करने के लिए पेस्टिसाइड, पहले लोग हाथों से करते थे, उसमें टाइम ज्यादा लगता था, तो उसमें बीमारियां फैलने के डर रहता, अब मशीन आ गई है तो टेंशन खत्म हो गया। और उसके अलावा केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करते हैं ये फर्टिलाइजर्स की जो केमिकल बेस्ड होती है या पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, तो ये भी कौन प्रोवाइड करता है? इंडस्ट्रीज ही प्रोवाइड करते हैं। एंड यूजिंग ऑल दीज थिंग्स डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कुड बी मेड पॉसिबल। और इन सारी चीजों का यूज करके हम बोल सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट है वो आसान हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? देखो यहाँ पे कुछ भी रटने जैसा नहीं है, ये सारी चीजें नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। अगर दिमाग थोड़ा सा शांत रखोगे और अपने आसपास देखोगे, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिया, कभी लाइफ में गांव में गए हो तो तुमने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा कि लोग पहले जिस तरह से काम करते थे, अगर उसी तरीके से काम करेंगे तो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इसलिए टेक्नोलॉजी चेंज करना हमारी नीड है, जरूरत है हमारी, कि हमें तरीके बदलने पड़ेंगे। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्ट्रेंथेंस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता है, वो भी पावरफुल बन जाता है। कैसे? देखो, इसेंशियल्स टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी प्रोड्यूसेस लाइक स्टील एंड सीमेंट। अब देखो, अब हमारे कंट्री में जब स्टील एंड सीमेंट की फैक्ट्रीज ज्यादा होंगी, देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारी जगह स्टील और सीमेंट का हो, लेकिन इनके जो प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, इनके जो प्रोडक्शन होते हैं उन प्रोडक्शन का यूज कहाँ होता है? यूजफुल टू बिल्ड इरीगेशन प्रोजेक्ट, रोड्स, ब्रिजेस एटसेट्रा। देखो यहाँ पे कुछ बातें बोली गई, उसको याद रखना है। बिल्ड इरीगेशन प्रोजेक्ट, रोड्स एंड ब्रिजेस। रोड्स और ब्रिजेस बनाने के लिए या इरीगेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली स्टील और सीमेंट की। और जो स्टील और सीमेंट हमें कहाँ से मिलता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिलता है। क्लियर है? एंड प्रोवाइड व्हीकल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज अ बसेस, ट्रक्स, रेलवे, प्लेन, कार, टू व्हीलर। और जो हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है? तो याद रखना है व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑल दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। एंड अगर इसके अलावा की अगर हम बात करते हैं दूसरी चीजों की, लाइक सेफ्टी प्रोटेक्शन, ठीक है, सेफ्टी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, राइफल हो गया, बुलेट हो गया, टैंक्स हो गया, हमारे आर्मी के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट्स है वो भी कौन बनाता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ही बनाते हैं। एंड दिस रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन अदर नेशंस एंड मेक इंडिया मच स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिकली, राइट। और हमारा जो डिपेंडेंसी वो अदर कंट्रीज पे कम हो जाएगा। जैसे कि अभी आप लोगों को पता होगा कि हमने इससे पहले बहुत सारी चीजें थी तो हम विदेशों से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हमारे कंट्री में ही चीजें बनने लगी हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, बुलेट प्रूफ जैकेट हमारे कंट्री में ही बनने लगा है, ठीक है। ट्रक की बात करते हैं, जो ट्रक जिसमें आर्मी वाले बैठकर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब
एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो जो बसेस हैं, वो जो ट्रक्स हैं, वो भी कौन बना लेगा? हमारे इंडिया में बन रहे हैं, टाटा कंपनीज भी बना रही है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा जो डिपेंडेंसी है वो अदर कंट्रीज पे रिड्यूस हो गया और हम क्या है, ज्यादा पावरफुल हो गया। क्लियर है? तो ये भी क्या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हुई है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की वजह से। अब ऐसा तो है नहीं कि खेतों में हल चला के तुम एक बुलेट प्रूफ जैकेट बना लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उन चीजों में जो रिक्वायर मटेरियल हो वो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ ना कुछ मिल सकता है, ठीक है? तो वो उसका इंपॉर्टेंस अपनी जगह है और इसका इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। क्लियर है? समझ में? अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है चेंज इन अ सोशल स्ट्रक्चर। अब सोशल स्ट्रक्चर में कैसे चेंज होता है उसको थोड़ा समझते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट्स न्यू कल्चर। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो एक न्यू कल्चर क्रिएट करता है। अब न्यू कल्चर कैसा है? न्यू वैल्यूज लाइक डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंपटीशंस, टीम वर्क, सेल्फ डिपेंडेंसी, कॉपरेशंस, अंडरस्टैंडिंग, इनोवेशन स्किल्स, इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी गेट्स डेवलप्ड। अब देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर जहां पे होता है वहां पे डिसिप्लिन चलता है। तुम्हें पता होगा कि अगर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो जॉब करते हैं उनको हर चीज टाइम पर करना जरूरी होता है, वहां पे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और इंडस्ट्री सेक्टर में कंपटीशन भी काफी ज्यादा है और लोग अकेले काम नहीं कर सकते, मिलजुल के काम करना पड़ता है, एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। कई बार एक इंडस्ट्री को दूसरे इंडस्ट्री पे डिपेंड होना पड़ता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है क्योंकि वहां से उनको मटेरियल्स मिलेगा, फिर वो अपना आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे सब क्या हो रहा है, ये सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, स्टैंड्स अगेंस्ट सुपरस्टिशन, फेटलिज्म, नैरो साइकोलॉजी, ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर गेट्स रिड्यूस। अब उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पे इंस्पायर होते हैं, ठीक है, जो पुरानी परंपराओं को छोड़ के आगे भागते हैं। फेटलिज्म जो कहते हैं ना कि जो नसीब में लिखा होगा वही होगा, उस बात को भूल जाते हैं। इनको पता है बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा, बिना मेहनत के तो खाना भी पेट में नहीं जाएगा। वो सारी बातें इनको समझ में आती है जब ये काम करना स्टार्ट करते हैं। जो लोगों की छोटी सोच होती है जिसको हम बोलते हैं नैरो साइकोलॉजी, वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। और ये सब पॉसिबल कैसे, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की वजह से, जब लोग अलग अलग जगह जाके जॉब करेंगे। क्लियर है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, यानी टाइप्स की बात करते हैं। तो वो टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही। और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होगी। फिर भी हम एक बार पॉइंट वापस रिवाइज कर ले, सिर्फ पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा पॉइंट्स याद रहे। और देखो, यहाँ पे मैंने है ना अंडरलाइन किया हुआ है, तो जो चीजें मैंने अंडरलाइन की तुम्हारा मेन फोकस उसी पे होना चाहिए, तब तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा। जैसे हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट क्या, कंट्रीब्यूशन इज नेशनल इनकम। पहला पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूशन इज नेशनल इनकम। अब देखो, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो चीजें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करा, ये तुम्हें एमसीक्यूज में काम आ जाएगा, वन मार्क्स में काम आ जाएगा, डिटेल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए तो काफी काम होगा। अगर तुम्हें याद नहीं रहता है, मेरी बातें भी याद रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इसी वजह से मैं तुम्हें स्टोरी टाइप में समझाता हूँ, ठीक है? तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं। पहला क्या है, कंट्रीब्यूशन इज नेशनल इनकम। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। देखो, हमारे नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हो रहा है इंडस्ट्री सेक्टर की वजह से। इंडस्ट्री सेक्टर इंक्रीज हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो लोगों को जॉब मिल रही है, जॉब मिल रही है तो लोग अच्छे से काम कर, उनका सोशल स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, ठीक है? ऐसे कनेक्ट करते जाओ, ठीक है? और हमारे पास जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट इनकम इंक्रीज हो रहा है। और हम बात करते हैं कि लोगों की, तो लोगों को जॉब मिलने से आसपास सोसाइटीज का माहौल भी चेंज हो रहा है। क्योंकि क्यों ऐसा चेंज हो रहा है, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां पे वो नए नए प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, और उस प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अलग अलग और इंडस्ट्रीज की। इससे क्या हो रहा है, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट? ठीक है, एक बार वापस मैं बोलता हूं। पहला क्या, कंट्रीब्यूशन इज नेशनल इनकम। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। पहला क्या, कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट। तीसरा है एक्सपोर्ट इनकम। चौथा है बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और पांचवा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। छठा है स्ट्रेंथेंस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। एंड सातवां है चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर। तो आपको याद रखना है टोटल कितने पॉइंट्स आ गया, आपके 7 पॉइंट्स हो गए, और 7 के 7 पॉइंट्स याद रखना है। और सभी पॉइंट्स के अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, वो याद रखना है, ठीक है? फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई भी दिक्कत, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपना वे ऑफ टीचिंग चेंज करूँ या शॉर्ट में ही एक्सप्लेन करूँ, ज्यादा कहानियां ना बताओ, तो वो भी बता सकते हो, ठीक है? जो बताओगे मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।